ये ना मेरे ससुर जी के वार्षिक श्राद्ध की वीडियो है। ये पिछले महीने 29 को ना उनके गुजरे हुए 2 साल हो गए। एक्चुअली ये जो वार्षिक श्राद्ध होता है 1 साल होने पर करते हैं, लेकिन उनके गुजरने के बाद ना उनके एक बड़े बुजुर्ग भी गुजर गए थे उनके घर के ही, तो उनका श्राद्ध हम नहीं कर पाए थे। अब 2 साल होने पर कर रहे हैं। जो मेरे ससुर जी के बाद गुजरे थे उनका 1 साल हो गया, उनका वार्षिक श्राद्ध कर ले उसके बाद ही हम मेरे ससुर जी के कर रहे हैं। उस दिन ना दोपहर को कीर्तन हुआ था, कीर्तन थोड़ा देख ले आप भी, बहुत अच्छा लगा था कीर्तन, सब लोग बहुत अच्छे से कीर्तन देखे। बहुत अच्छा लगा था कीर्तन, सब लोग बहुत अच्छे से किए थे कीर्तन, बहुत अच्छा लगा भगवान का नाम सुन के। तो लोग सब आए थे ना, सब लोग बैठ के आराम से कीर्तन देखे, फिर खाना खाए, फिर थोड़ा टाइम कीर्तन देखने के बाद सब लोग खाना खाए। खाना खाने के बाद फिर से कीर्तन हुआ था, रात को 8 बजे तक कीर्तन हुआ था। और आप लोगों को तो पता ही होगा दिया को कीर्तन बहुत पसंद है, वो पूरा उनके साथ ही रह जाती थी। वो जो कीर्तन कर रहे थे ना, वो लोग दिया को पकड़ के कीर्तन कर रहे थे और दिया भी बहुत इंजॉय कर रही थी। कोई बुलाने पर भी वो नहीं आती थी, मैं नहीं जाऊंगी बोल रही थी दिया। उस दिन ना मेरे ससुर जी के एक स्टैचू भी लगवाने वाले थे हम लोग, लेकिन क्या करें वो स्टैचू ठीक टाइम पे आ नहीं पाया। राजस्थान से वो स्टैचू बनवाए थे तो वो ना ठीक टाइम पे आ नहीं पाया। उस दिन प्लानिंग था कि स्टैचू लगाएंगे, इनॉग्रेशन करेंगे स्टैचू का और फिर कीर्तन करेंगे, सब कुछ पूजा करेंगे बोल के, लेकिन हो नहीं पाया। मेरे ससुर जो थे ना बहुत अच्छे लोग थे, मैं जितना दिन भी उनके साथ रही हूँ ना, वो मेरे से मतलब बहुत अच्छे से बात करते थे बेटा बेटा बोल के, और उनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा था।
मैं क्या बोलूं, ज़्यादा दिन तो मैं नहीं रही हूँ उनके साथ, लेकिन जितना दिन भी रही हूँ ना, वो मेरे साथ बहुत ही अच्छे से बात किए हैं, बहुत ही केयर किए हैं। जो पूरा खुद की बेटी रहती है ना, उस टाइप से वो पूरा केयर करते थे, बहुत अच्छे थे। और भी जो लोग हैं ना, जहाँ पे वो रहते थे पहले, और उनके गांव के लोग, सब लोग कहते हैं कि वो बहुत अच्छे थे बोल के। क्या करें, अच्छे लोग ही बहुत जल्दी चले जाते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। कोरोना के टाइम में उनका डेथ हुआ था, बहुत ही अजीब सिचुएशन था उस टाइम, मतलब कि जो अब ना याद करने पर भी बहुत डर लगता है। कोरोना में उस टाइम ना बहुत लोगों का डेथ हो रहा था, ऐसा टाइम था ना, हम लोग उनका ट्रीटमेंट भी अच्छे से नहीं कर पाए, मतलब कि हॉस्पिटल में ना जगह ही नहीं था। टेस्ट वगैरह पहले किए, और उनको ना ऑक्सीजन लेवल उनका कम हो रहा था, तो उनको आईसीयू की ज़रूरत थी, जो कि हमें नहीं मिला। हम लोग आसपास जो भी अच्छा अच्छा सब हॉस्पिटल था, संबलपुर में बहुत सब हॉस्पिटल बड़ा बड़ा जो था, सब भी मैं कांटेक्ट किए थे, और राउरकेला में भी कांटेक्ट किए थे, लेकिन नहीं हो पाया। फिर दूसरे दिन ना उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा हमें, सिर्फ वही ऑक्सीजन के वजह से। और पता नहीं, मुझे तो लगता है ना, उस टाइम अच्छे से इलाज नहीं हो रहा था। मैं कितना ठीक बोल रही हूँ वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो लगा ना, वहाँ पे कॉल करके, जब मेरे ससुर जी हॉस्पिटल पे थे, तब मैं कॉल करती थी, वो जो रिसेप्शन पे नहीं रहते हैं क्या, उनके साथ, तो पेशेंट के साथ कभी कभी अच्छे से बात नहीं हो पाता था, डायरेक्टली बात नहीं हो पाता था, तो उनके साथ बात करते थे, वो लोग भी अच्छे से बात नहीं कर रहे थे, और मुझे नहीं लगा कि उनका इलाज भी अच्छे से हुआ बोल के। लेकिन हम लोग बहुत ट्राई किए थे, हमें ही पता है हम लोग कितना ट्राई किए थे, और वो कुछ भी ना कमी नहीं छोड़े कि हम लोग उनके लिए कुछ ट्राई ना करें। सब कुछ था हमारे पास, पैसा था, हम डबल पैसा देने के लिए रेडी थे आईसीयू में, लेकिन तभी भी हमें आईसीयू में जगह नहीं मिला। मैं राउरकेला में कॉल की थी, वहाँ पे उस टाइम ना मैं ऐसे बोली, मेरे घर वाले बात किए थे राउरकेला में हॉस्पिटल में, ऐसे हम लोग का बात हुआ ना, वो जो रिसेप्शन में था हॉस्पिटल में, वो भी रो पड़ा कि ऐसा सिचुएशन है कि हम लोग दे नहीं पा रहे हैं, लोगों को अच्छे से सर्व नहीं कर पा रहे हैं, लोगों का सेवा नहीं कर पा रहे हैं बोल के वो भी रो गया। वो रिसेप्शन वाला भी रो पड़ा था उस टाइम। मेरी दीदी बात कर रही थी, मुझे पूरा याद है, बोल रही थी दीदी, बहुत लोगों को लगता है कि हम लोगों ने कोशिश नहीं की थी, लेकिन हमें ही पता है, घर वालों को ही पता है, उस टाइम जो सिचुएशन था ना, हमें ही पता है, और कैसे सब ओवरकम हुआ है, वो सब याद करने पर भी बहुत अजीब सा लगता है। और मैं नहीं बोलना चाहती इस बारे में कैसे हुआ क्या हुआ, सिर्फ हम घर वालों को ही पता है, दूसरे लोग तो कुछ भी बोलेंगे, छोड़ो उनके बात। फिलहाल इस वीडियो को ना एंड करते हैं यहीं पे, फिर मिलते हैं और एक वीडियो के साथ। बाय फ्रेंड्स।